हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रिपीटेड लिमिट। तो रिपीटेड लिमिट कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो ही हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 है, लेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये फंक्शन है। शो दैट द टू रिपीटेड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई एंड लिमिट वाई टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, बट द साइमल्टेनियस लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो रिपीटेड लिमिट कैसे करते हैं, यही हम देखेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम रिपीटेड लिमिट देखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट वाई टेंस टू जीरो, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स, देखिए वाई टेंस टू जीरो, यहाँ पर हम वाई इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो लिमिट यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो वाई इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन, दिस इज इक्वल्स टू वन, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया, वन। अभी y टेंस टू जीरो x टेंस टू जीरो करेंगे, लिमिट x मतलब जहां पर हम y टेंस टू जीरो करेंगे वहां पर x को कांस्टेंट रखेंगे, और जहां पर x टेंस टू जीरो करेंगे वहां पर y को कांस्टेंट रखेंगे। समझ में आ गया ना बात, बहुत इजी है। x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर x टेंस टू जीरो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट y टेंस टू जीरो, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर वन आ जाएगा। तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो वन, दिस इज इक्वल्स टू वन, दोनों इक्वल हो रहा है। पर इसका जो यहाँ पर साइमल्टेनियस लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो अभी आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई इक्वल्स टू एम एक्स मतलब एक्स माइनस एम एक्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर एक्स एंड वन माइनस एम दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो देखिए, ये जो है वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू डिपेंड करता है एम एम की वैल्यू से, ठीक है ना। तो दे आर फोर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एम, दे आर फोर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, देखिए दोनों यहाँ पर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल भी है, पर यहाँ पर साइमल्टेनियस लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, तो आपको बोलेंगे कि गिव एग्जाम्पल जहाँ पर रिपीटेड लिमिट दोनों इक्वल है पर यहाँ पर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 11, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई, सो दैट यहाँ पर ये साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट रिपीटेड लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो मतलब एक्स टेंस टू जीरो एंड वाई टेंस टू जीरो, ये जब रिपीटेड लिमिट करेंगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, पर यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो जब करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको गिव एन एग्जाम्पल करके भी दे सकता है, डायरेक्ट ये मतलब क्वेश्चन भी दे सकता है, मुझे लगता है कि गिव एन एग्जाम्पल आने की चांस ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई मतलब
मॉड्यूलस ऑफ, तो दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो दिस फॉलोज दैट यहाँ पर साइमल्टेनियस लिमिट हम करेंगे तो यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू आ रहा है इसका, लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई टेंस टू जीरो करेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, ये एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं ये हम देखेंगे। तो वाई जीरो प्लस एंड जीरो माइनस में देखेंगे, दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो जीरो प्लस में इसका वैल्यू आ रहा है एक्स, और जीरो माइनस में इसका वैल्यू आ रहा है माइनस, दोनों अलग है, ठीक है ना, दोनों नॉट इक्वल है। तो देयरफॉर हम बोलेंगे वाई टेंस टू जीरो में ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ सॉरी एक्स वाई डिवाइडेड बाई मॉड वाई ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है। पर यहाँ पर अगर एक्स कर देंगे मतलब मॉड्यूलस ऑफ एक्स आ जाएगा, मॉड वाई एंड डिवाइडेड बाई मॉड वाई दोनों कैंसिल कर देंगे तो मॉड एक्स रह जाएगा और यहाँ पर ये इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मॉड वाई में वाई की वैल्यू आ रहा था पहले, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि वाई की वैल्यू जब आएंगे एक बार मॉड वाई में जीरो माइनस में वो माइनस वैल्यू आ जाएगा और जीरो प्लस में प्लस वैल्यू आ जाएगा, तो इसीलिए जो वो लिमिट था डज नॉट एग्जिस्ट। थ्योरियम 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एल इफ बोथ द रिपीटेड लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई टेंस टू बी एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट देन ईच ऑफ दीज लिमिट आर इक्वल टू एल, ठीक है ना। मतलब कोई भी फंक्शन का साइमल्टेनियस लिमिट अगर इक्वल टू एल होता है तो उन दोनों का रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और दोनों रिपीटेड लिमिट का वैल्यू जो है वो एल होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ये थ्योरियम। उसके बाद देखिए E10, E10 क्या बोल रहा है यहाँ पर, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्रूव दैट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0 व्हाइल द टू रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल। तो EX10 देखिए ये बहुत ही इजी होता है और एग्जाम में भी आते हैं, तो रिपीटेड लिमिट कर लेना इम्पॉर्टेंट है, मतलब रिपीटेड लिमिट क्वेश्चन में दे देते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका जो है प्रूफ दैट साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। तो यहाँ पर इसका साइमल्टेनियस लिमिट लिखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, तो दिस इज इक्वल्स टू सॉरी हम यहाँ पर पुट करेंगे वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो एक बार लिख लेते हैं ये फंक्शन है ना, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स पुट करेंगे एक्स टेंस टू जीरो आ जाएगा एंड वाई की जगह पर एम एक्स लिखेंगे तो एक्स इंटू एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पर एम एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर एम डिवाइडेड बाई वन प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू है ये डिपेंड ऑन एम, तो द वैल्यू दिस वैल्यू इज डिपेंड ऑन एम देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट एट 0 0, ठीक है ना। तो इसका हम रिपीटेड लिमिट देखेंगे, तो पहले निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर वाई इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। और फिर हम वाई पहले करेंगे तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना।
एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पर जीरो आ जाएगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो जीरो दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों इक्वल हो रहा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद ई इलेवन देख लीजिए, ई इलेवन क्या बोल रहा है यहाँ पर, फॉर द फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है। ये ना मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन में ना बहुत आते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई मतलब MT7 का जो पेपर था वहां पर ये क्वेश्चन आता था, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर, सो दैट ये जो यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है ये इक्वल्स टू माइनस वन एंड एंड यहाँ पर जो मतलब रिपीटेड लिमिट दोनों, एक है माइनस वन और एक है प्लस वन, एंड थ्योरम 7 को अप्लाई करके हमें डिसाइड करना है कि इसका साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। दोनों अगर इक्वल हो जाए तो साइमल्टेनियस लिमिट इक्वल्स टू एल हो जाएगा ना, पर दोनों तो यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसका साइमल्टेनियस लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले हम ये दिखा देते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकलेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, ये फंक्शन लिख देंगे, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए वाई इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो पुट कर देंगे तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो यहाँ पर माइनस वन, देखिए माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना। और वाई टेंस टू जीरो करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा, तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन क्या है, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स इंटू यहाँ पर वन प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे पहले, तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो, यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू डायरेक्ट हम जीरो पुट करेंगे तो वाई बाई वाई आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पर जीरो तो वन बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर, तो वाई बाई वाई दिस इज इक्वल्स टू वन, है ना, पुट कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट वाई टेंस टू जीरो वन बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो वन बाई वन दिस इज इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। देखिए दोनों आ गया, तो अब हम लिखेंगे हेयर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, लिमिट वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, तो दे आर फॉर द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे E12। E12 क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर वन प्लस एक्स वाई है जहाँ पर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जीरो है जहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। हमें प्रूव करना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वन, तो दोनों रिपीटेड लिमिट इक्वल है, बट यहाँ पर जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू यहाँ पर दिया हुआ है वन प्लस एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जीरो है जहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। तो रिपीटेड लिमिट यहाँ पर निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू देखिए टेंस टू जीरो है, इक्वल्स जीरो नहीं है, तो हम ये फंक्शन लेंगे वन प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाई की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, तो करेंगे तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स वाई, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो वन दिस इज इक्वल्स टू वन, दोनों इक्वल हो रहा है, पर इसका जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो हम कैसे निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स वाई आ रहा है, जहाँ पर मतलब यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, तो इसलिए तो हम यहाँ पर लेट करेंगे वाई इक्वल्स टू फाइव वन एक्स, ठीक है ना। तो फाइव वन एक्स लेट करेंगे, फाइव वन एक्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स, जहां पर क्या करना होगा, लिमिट यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो फाइव वन एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फाइव टू एक्स हमें लेना होगा, तो फाइव वन एक्स हम एक्स लेंगे और फाइव टू एक्स इक्वल्स टू हम जीरो लेंगे, जहां पर एक्स टेंस टू जीरो में ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर लेट करेंगे 5 1 x = x, ठीक है ना। तो क्या करना होगा हमें, लिमिट x→0 और y के जगह पर 5 1 x पुट कर देंगे, तो 1 + x × 5 1 x, x × x, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x→0 1 + यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब 1 + 0 = 0, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1 + 0 दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो लेट यहाँ देखिए, जब हम यहाँ पर 5 2 x = 0 करेंगे, मतलब y = 0, तो y = 0 में फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, जहाँ पर x = x y = 0, देन xy = क्या आ जाएगा यहाँ पर, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, xy = x × y, दिस इज इक्वल्स टू x × 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। जब xy = 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाता है, 0। दैट इम्प्लाई यहाँ पर f(xy) दिस इज इक्वल्स टू 0, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम बोल देंगे कि साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।